होली पर्व को लेकर भोली ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक थाना प्रभारी शेखर कुमार की अध्यक्षता में हुई। वहीं बैठक में मौजूद शांति समिति के सदस्यों ने होली के दौरान क्षेत्र में शराबियों एवं गुड़दंगियों पर नकेल कसने की अपील की, जिसमें थाना प्रभारी शेखर कुमार ने कहा कि होली के दौरान व्यवस्था खराब करने वाले शराबियों एवं गुड़दंगियों पर पुलिस की विशेष नजर होगी। वही थाना प्रभारी ने लोगों से किसी भी तरह का गलत अफवाह से बचने की सलाह देते हुए शांति पूर्वक भाईचारे के साथ होली पर्व मनाने की अपील की। आज होली पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक रखा गया था, जिसमें भुल्ली क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था और अपनी अपनी समस्याओं का कि होली का त्यौहार अच्छे शांतिपूर्ण से कैसे मनाया गया, अपनी अपनी बातों को रखें, अपनी समस्या को रखें, उस समस्या का हम अंकित भी कर लेंगे और समस्या का होली पूर्व यदि त्यौहार के पूर्व उस समस्या का समाधान कर लेंगे और सभी को होली पर्व का शुभकामनाएं भी दिए और आने वाले बाधाएं को भी दूर करने का प्रयास हम दिए हैं और इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि किसी भी प्रकार से इस त्यौहार को भंग नहीं करेंगे। जो भी इस त्यौहार को भंग करने का प्रयास करेंगे उनको कड़े शब्द में ऐसी बतलाया गया है कि उनको किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा और जो भी ऐसा करने का प्रयास करेंगे उनके ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, 144 भी लगी हुई है, इस पर क्या दिशा निर्देश दिया गया होली को? इस पर भी हम सारे लोगों को बताएं कि चुनाव का समय चल रहा है, अभी आचार संहिता लगा हुआ है, जो भी इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है चुनाव को लेकर उसको पालन करते हुए त्यौहार को मनाएंगे और जो उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की। सोशल मीडिया पे भी इन लोगों को मेरा नज़र बना हुआ है, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि अगर सोशल मीडिया में भी किसी प्रकार से अभद्र चीज़ और संप्रदाय की डालने का प्रयास करेंगे उनके ऊपर कड़े निगरानी रखे हुए हैं हम लोग, जो ऐसा करने का प्रयास करेंगे और उसके ऊपर भी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।